आर्ट गैलरी का शुभारंभ करने जा रहे हैं। भारत सरकार का 2017 का स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान प्रारंभ हो गया है। हम भोपाल में माई सिटी माई बॉल के माध्यम से भोपाल की जनता को स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। भोपाल के स्कूल के बच्चे कॉलेज के बच्चे इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आज प्राइवेट के आर्टिस्टों को भी हमने बुलाया है और वे आज भोपाल का जो हमारा पॉलिटेक्निक से रोशनपुरा का जो छुड़ाया है यहाँ पर जो वॉल है इसके ऊपर ड्राइव थ्रू आर्ट गैलरी बनाएंगे। ये अपने आप में बड़ी खूबसूरत गैलरी होगी। जब भोपाल की जनता शाम के समय इस क्षेत्र से निकलेगी तो अलग अलग तरीके की यहाँ पे आकृतियाँ नजर आएंगी। कुल मिलाकर हम भोपाल की जो दीवारें हैं उसको साफ सुथरा रखना चाहते हैं और उसके माध्यम से स्वच्छता का संदेश देना चाहते हैं कि इन दीवारों के ऊपर कोई पान थूके नहीं, इसको गंदगी नहीं करें। मैं समझता हूँ कि हम सब लोग मिलकर भोपाल को स्वच्छ बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम जो शहर की मूलभूत समस्याओं को निराकरण करने के लिए जनप्रतिनिधि बनाकर भोपाल की नगर निगम में पहुँचाया है, मैं सब तरफ बधाई देना चाहता हूँ मध्य क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुरेंद्रनाथ सिंह जी को और नगर निगम के अध्यक्ष सुरजीत सिंह चौहान जी को और क्षेत्र के पार्षद मोनू गोहिल जी को कि वे लगातार अपने क्षेत्र में भोपाल को स्वच्छ बनाने के लिए अपने वार्ड को स्वच्छ बनाने के लिए लगातार सफाई अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। आज वार्ड नंबर 45 के E1 के अरेरा कॉलोनी क्षेत्र में हम यहाँ आए हैं। यहाँ के नागरिकों की हमने समस्याएं सुनी हैं, जो समस्याएं उन्होंने नाली की बताई है, कम प्रेशर से पानी आने की बताई है, उसके निराकरण करने के निर्देश हमने नगर निगम के अधिकारियों को समय सीमा में करने के निर्देश दिए हैं। मेरा जनता से यही आग्रह है, उनसे यही अपील है कि हमारा भोपाल स्वच्छ हो, सुंदर हो, विकसित हो, इसके लिए जनता आगे आए। रेवासी संघ का लगातार हमको सहयोग मिल रहा है और सबके सहयोग से हमारा प्रण कि हमारा भोपाल नंबर 1 हो।